हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग 1423 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्या कराते हैं, हम वन डे एग्जाम जो होते हैं आपके, कि एक दिन में आपका एग्जाम क्या है वो हो जाता है, उसके लिए आपको प्री मेंस देने की जरूरत नहीं होती, वो केवल एक ही एग्जाम होता है आपके जॉब पर्पज से, ठीक है। तो हम उसी की प्रिपरेशन अपने इस कोचिंग सेंटर में करवाते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी समय से टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप लेवल टू लेवल अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो तैयारी होगी वो बिल्कुल अच्छे एक बिल्कुल लेवल पर होगी, अच्छी तरह से हो रही होगी, ठीक है। तो आज की जो हमारी जीएस की क्लास होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे बायो, जिसमें हम साइंस को हम पढ़ते आ रहे थे, केमिस्ट्री हमने पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे बायो, ठीक है। आपको क्या करना होता है, देखिए जो साइंस होता है वो जीएस का एक पोर्शन होता है, छोटा पोर्शन होता है, उसमें से हद एक नंबर, दो नंबर या तीन नंबर का ज्यादा से ज्यादा आपको उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके लिए आपको पूरी कंप्लीट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है वन डे एग्जाम के लिए। मैं सभी एग्जाम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल वन डे एग्जाम की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जो भी आपके जीएस के साथ ये साइंस आती है, जो भी आपके प्री या मेंस के साथ भी, या आपके जो एक दिन से ज्यादा वाले एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम होते हैं, उनमें भी इतनी ही साइंस आपको बहुत होती है, ठीक है। अब आप उसको पूरा डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें फिर तो आप पूरा नीट वगैरह के लिए तैयारी करें, फिर आप उसके लिए अच्छे से सशक्त हैं, ठीक है। वन डे एग्जाम के जीएस के पोर्शन के लिए इतनी साइंस बहुत होती है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं हम आप अपनी आज की क्लास को, जो कि है बायो की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बायो में होता क्या है, उसका सिलेबस क्या है, बायो का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी, बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, दो शब्दों से बनकर ये मिलकर बनी होती है बायोलॉजी, यानी कि बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है लोगस। बायो का मतलब क्या हुआ, जीवन, लाइफ, राइट, और प्लस लोगस को हम स्टडी भी कहते हैं। तो सिंपल भाषा में इसका मीनिंग हो गया स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किसको, जीवन को पढ़ रहे हैं। जीवन से हमारा क्या मतलब होता है, जीवन से मतलब होता है हमारी बॉडी की एनाटॉमी। हमें भूख लगती है, हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद हमारी जो बॉडी है वो काम करने के लिए क्या हो जाती है, एक तरह से तैयार हो जाती है, राइट। क्यों, क्योंकि हमें एनर्जी मिल जाती है ना। जब तक हम खाना नहीं खाते तब तक क्या होगा, हमारा जो बॉडी है भूख हमें लगती रहेगी, हम किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से करने के लायक नहीं रहते। क्यों, क्योंकि जो हमारी एनर्जी लेवल होता है वो पूरी तरह से क्या हो चुका होता है, डिक्रीज हो चुका होता है, घट चुका होता है। उसी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, खाना खाना होता है। खाने में ऐसा क्या है, खाने में हमें क्या क्या खाना चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हो, वही सारी चीजें, वही सारा न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी है ना। हमें अगर भूखी लगी है तो हम ईंट पत्थर खा ले, हम खाना ही क्यों खा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाके क्या कर रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। तो डाइजेशन एक पूरा टॉपिक हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, सिलेबस, इसमें हम पढ़ते हैं सिलेबस की बात करते हैं। जो हमारा सिलेबस क्या कहता है कि सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी क्या कहती है कि भाई जो भी हमारी बॉडी है वो किस तरह से काम करेगी, है ना, हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से काम करेगी, क्या क्या उसको जरूरत है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें किस चीज की जरूरत है, फूड की जरूरत है, तो हम इसमें पहले न्यूट्रिएंट को पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्वों को पढ़ते हैं, ठीक है। पोषक तत्व फिर हमारे क्या होंगे, डाइजेस्ट होंगे, एनर्जी बनेगी, राइट। तो फिर हम क्या पढ़ते हैं, डाइजेशन को पढ़ते हैं। डाइजेशन का मतलब पाचन क्रिया, पाचन क्रिया को हम उसमें पढ़ते हैं। पाचन क्रिया, पाचन होने के बाद फूड क्या होगा, अब हमारी पूरी बॉडी बॉडी में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो हम उसमें फिर क्या पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा नाम हमारा रेस्पिरेशन भी उसको हम कहते हैं, रेस्पिरेशन, यानी कि इसको हिंदी में हम क्या देते हैं, श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया क्या कहती है कि भाई जो भी आपकी जो आपने जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी एक गैस जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन,
और वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आएगी किसके थ्रू, श्वसन क्रिया के थ्रू आएगी। अब जब वो ऑक्सीजन आ गई तो अब वो क्या करेगी, बॉडी में सर्कुलेट करवाएगी हमारे ब्लड को। सर्कुलेशन फिर एक हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसको कहते हैं रक्त परिसंचरण। रक्त नहीं, परिसंचरण ही कहेंगे पहले, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेट करेगा। जब हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं तब हम इसको कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये रक्त परिसंचरण हो रहा है। ठीक है, रक्त परिसंचरण हो गया, उसके बाद क्या होगा, अब जो हमारी बॉडी है एक्सक्रीट करेगी, यानी कि जो चीजें जरूरी है उन्हें बॉडी में रहने देगी और जो चीजें वेस्ट हैं उनको हमारे किडनी और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर करेगी। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन। अब हमने सारे काम हो गए, अब जो रिमेन रह गया है फूड वो काम करेगा हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब जो हमारी बॉडी है ये तो हमें डाइजेशन पता चल गया, ये तो हमें पता चल गया कि भाई ह्यूमन एनाटॉमी है, हम खाना खा रहे हैं तो उसके साथ क्या क्या हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर अब हमारी बॉडी काफी सारी एक्टिविटीज करती है ना, जैसे एक बच्चा है, बच्चे से वो बड़ा होता है, बड़े से फिर वो बूढ़ा होता है, उसके हाथ पैर नाखून बाल बढ़ते रहते हैं, राइट। जीवन पर्यंत अगर ना कटवाएं तो काफी लंबे लंबे नाखून हो जाएंगे, काफी लंबे लंबे हमारे बाल हो जाएंगे, क्योंकि इनकी एक टेंडेंसी है कि ये क्या होते रहते हैं, ये जीवन पर्यंत तक हमारे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, क्यों बढ़ते रहते हैं, सेल डिवीजन की वजह से बढ़ते रहते हैं, सेल्स की वजह से। तो फिर इतने टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेल, जिसको हम कहते हैं कोशिका। ठीक है, सेल को हम पढ़ेंगे क्योंकि सेल क्या होता है, ये बेसिक यूनिट होता है हमारी बॉडी का। हमने ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने देख लिया कि भाई ये हमारी बॉडी में क्या क्या काम करेंगे। सेल को हम पढ़ेंगे तो सेल हमें ये बताती है कि ये जो बॉडी है आखिर ये बनी कैसे, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें कहा जा रहा है ये किस वजह से कहा जा रहा है। ठीक है, सेल के बाद हम पढ़ेंगे कि जो एक सेल से नेक्स्ट सेल बनती है उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन तंत्र कहेंगे। ठीक है, फिर हम उस रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी लिविंग्स होते हैं चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, वो सब क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसी दूसरी प्रोजेनी को बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये इस रिप्रोडक्शन इसमें हम पढ़ेंगे। फिर ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम उसमें क्या पढ़ेंगे, भाई ये जो सेल पढ़ी जाएगी ये हमारी प्लांट के लिए और एनिमल दोनों के लिए पढ़ी जाएगी, रिप्रोडक्शन हमारा दोनों के लिए पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या कहता है कि संयम, नियंत्रण और समन्वय, हम इसको कह सकते हैं नियंत्रण और समन्वय, समन्वय। ठीक है, हमारी जो बॉडी है अभी हमें यहाँ पे खड़े रहना है, तो मैं स्टेबल खड़ी हूं, मुझे चलना है तो मैं चलूंगी। ठीक है, मुझे दौड़ना है तो मैं दौड़ूंगी, मुझे एक हाथ का मूवमेंट दिखाना है, मुझे दोनों हाथों का मूवमेंट दिखाना है। ठीक है, मेरे को लिखना है, मेरे को बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, ये सारी चीजें कंट्रोल्ड होती हैं, राइट। कंट्रोल कौन करता है, हमारा माइंड कंट्रोल करता है, कंट्रोल कौन करता है, हमारा माइंड, हमारा दिमाग कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी को। ठीक है, दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना है हाथों का पैरों के साथ, बॉडी है आंखों की जगह आंखें हैं वो काम करती रहे, साथ साथ हम सांस भी ले रहे हैं, साथ साथ हमारे माइंड में थिंकिंग भी चल रही है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन, कि हम एक साथ काफी सारे काम कर रहे हैं, है ना। मैं घर से बाहर भी जा रही हूँ, मेरे को अपना एक वेन्यू भी पता है, मुझे जाना कहाँ है, राइट। तो मैं चलती भी जा रही हूँ, वेन्यू को देखती भी जा रही हूँ, उसके बारे में सोचती भी जा रही हूँ, और अगर मेरे साथ कोई चल रहा है तो मैं उसके साथ भी बात करते जा रही हूँ। तो मैंने कितनी सारी चीजों को हमारे माइंड ने कंट्रोल करके रखा है। अगर पैरों का काम सिर्फ चलना है तो ये सिर्फ चलते ही रहने चाहिए, दे कांट बी स्टॉप,
किसी भी समय पे ये क्या नहीं होने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि पैरों का काम किस चीज का, चलने का है, चलते रहिए। हार्ट का काम है धड़कने का, 24/7 धड़कता रहता है, राइट। ठीक है, तो ऐसे ही पैरों का काम है चलने का, तो चलते रहो बस, पैर मूवमेंट में रहने चाहिए, आप बैठे रहें चाहे कुछ भी, लेकिन नहीं रहते। दैट इज द कोऑर्डिनेशन। जब आप चाहें जब आप चल सकते हैं, जब आप चाहें आप नाच सकते हैं, जब आप चाहें आप उठ सकते हैं, ठीक है, जब आप चाहें आप बोल सकते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, कोऑर्डिनेट करता है। तो इन दोनों को ही कौन कंट्रोल कौन कर रहा है, माइंड ही कर रहा है। कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, माइंड ही कर रहा है। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन के साथ हमारे कुछ हॉर्मोन्स काम करते हैं, तो इसमें इस चैप्टर में माइंड को और उन हॉर्मोन्स को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा ये हॉर्मोन हो गए ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए, क्योंकि ह्यूमन जो आते हैं वो एनिमल किंगडम में ही आते हैं, ठीक है। फिर हम प्लांट के हॉर्मोन्स को पढ़ते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स को पढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट हॉर्मोन्स क्या कहते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स ये कहते हैं कि भाई जो प्लांट है उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ना, वाटर लिया गया है, खाना बन गया है, उसको हमें पूरे प्लांट में क्या करना है, भेजना है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, उसको हम परिवहन कहते हैं। अब इसमें भी कुछ हॉर्मोन काम करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं प्लांट जो होता है वो छोटे से बड़ा हो जाता है, फिर उस पर फ्लावरिंग होती है, फिर उस पर सीडलिंग होती है, फिर उस पर फ्रूट बनता है ना, फिर फ्रूट बन के क्या होता है, सीड को पकाता है, पूरे अच्छे से तैयार करता है, तो उसकी हाइट बढ़ती रहती है, विड्थ बढ़ती रहती है, सारे काम उस पर होते रहते हैं, वो प्लांट एकदम सीधा बढ़ रहा है ना, वो क्या करवा रहा है अपने लाइट की वजह से, वो देख रहे हैं जड़ें उसकी नीचे ही जा रही है हमेशा, ठीक। तो उन सारे प्लांट को हम किसमें पढ़ते हैं, प्लांट हॉर्मोन में पढ़ते हैं, और इनको कहते हैं हम फाइटो हॉर्मोन। क्या कहते हैं, फाइटो हॉर्मोन। हिंदी में इनको कहते हैं पादप हॉर्मोन, ठीक है। वरना तो जैसे कार्टून में दिखाते हैं कि प्लांट है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो वो बेचारा निकल के ऐसे ही चल के चला जाएगा, है ना, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो ये फाइटो हॉर्मोन्स क्या करते हैं, जो ग्रोथ होती है, जो एक्टिविटीज होती हैं, उनको क्या करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि हर एक चीज की एक सीमा होती है, वो असीमित नहीं हो सकता, हर एक चीज की क्या है, एक सीमा है, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं हो सकता। क्या आप सोचोगे कि कुछ चीजें यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अनलिमिटेड कोई चीज नहीं होगी, सब चीजें लिमिटेड रहती हैं, ठीक। अब हॉर्मोन्स का प्लांट्स में एक और भी काम होता है कि ये फ्रूट को पकाने में हेल्प करते हैं, है ना। जो फ्रूट होता है हमारा, प्लांट का जो सीड पे कवर करके रखता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो प्लांट का सीड होता है उसको पूरा मेच्योर होने तक जो उसको आउटर कवरिंग देता है, उसको हम उस प्लांट का फ्रूट कहते हैं, ठीक है। अब वो फ्रूट कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको हमने सब्जी का नाम दे दिया, हमने उनको सब्जी का नाम दिया, प्लांट के लिए वो फ्रूट ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने अगर पेठा कह रहे हैं तो हट ये तो सब्जी है, फ्रूट कैसे हो गया, क्योंकि हम तो पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से, फ्रूट मीन्स तो फल, फ्रूट वेजिटेबल्स मीन्स तो सब्जी, ठीक है। तो हमें सब्जियों के नाम पता है, फलों के नाम पता है, बट फ्रूट बायो ये कहती है फ्रूट वो होता है जो उस प्लांट के सीड को प्रोटेक्शन देता है, न्यूट्रिशन देता है, दैट इज द फ्रूट ऑफ द प्लांट। अब चाहे वो नीम का हो, चाहे वो किसी तोरई का हो, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो खीरा हो, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो प्याज हो, ठीक है, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, फ्रूट में कहलाएंगी, ठीक। क्योंकि फ्रूट की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रूट वो होता है जो प्लांट के एक्स्ट्रा स्टार्च को अपने साथ क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ताकि वो सीड को क्या दे सके, न्यूट्रिशन दे सके, ताकि वो क्या हो सके, मैच्योर हो सके, नेक्स्ट प्लांट को बनाना है उसे, है ना। तो हर एक उस जो उसका आपका एक स्टोरेज होता है फूड का, उसी को हम क्या नाम देते हैं, फ्रूट नाम देते हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा, फ्रूट जस्ट नॉट ओनली द फल, व्हाट आर यू ईटिंग एज एन एप्पल, बनाना, व्हाटएवर, है ना। फल वो होता है जो एक प्लांट का फूड जो उसने कंज्यूम करके अपने आप में ग्रैब कर लिया और उस सीड को प्रोटेक्शन दिया, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, बायो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की हम इंट्रोडक्शन क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल से हम पूरा का पूरा अपना बायो यहां से स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज ऐसे ही हम इसको पढ़ते चलेंगे।
फिजिक्स से क्वेश्चन आए ना आए, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए ना आए, बायो से 101% क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे उसमें वो 5 क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो उसमें 7 क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। इतनी चीज को आप ध्यान रखेंगे, बायो में से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है हर एग्जाम में। और ये जो बायो होगी ये आपके हर एग्जाम पर्पज के लिए होगी, ये हम कह रहे हैं। मैं ही ये कह रही थी वनडे एग्जाम के लिए, मैं ही ये कह रही थी ये जो बायो अब आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके हर एग्जाम के लिए तैयार इसमें आपकी बायो हो जाएगी। मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे आप, की नोट्स बनाते हुए चलेंगे, साथ साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। आज की इंट्रोडक्शन क्लास को मैं यहीं रोकती हूँ, नेक्स्ट अपना टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।